अपने बेटे को अकेली संभाल रही है और करियर को भी। तुम इसके जैसे औरत कहीं ढूंढ ही नहीं पाओगे बाईचांग इंडस्ट्री में। ये औरत कौन है? ग्वांचाओ में काम करती है। बिल्कुल, बाकी सिंगल मदर्स को तो डिवोर्स के बाद भी मदद मिलती है। मिस मीन, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मैं सबकी माफी चाहती हूँ, लेकिन ये मिनहुई का प्राइवेट मैटर। किसने कहा मिनहुई के बच्चे का बाप नहीं है? यहाँ आओ बेटे। ये क्या हो रहा है? क्या ये मिस्टर शिन है? नहीं, मैं इस बच्चे का बाप हूँ। 5 साल हो गए। सोचो ये कैसी किस्मत है जो दो पिछड़े हुए लोग फिर से मिले और उन्हें प्यार हो गया। कभी कभी मुझे लगता है ये भगवान की इच्छा है। और मे बी ऐसा हो, वो लड़की जिसका नाम सूतियान है वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तुम्हें क्या लगता है? शिनची, तुम बहुत बुरे हो। तुमने तो कहा तुम मुझे फिर से कभी देखना नहीं चाहते। तुम जानते हो मैं कितना सैड थी। मैं अपनी बची जिंदगी के साथ सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूं, लेकिन क्या तुम मुझे सुधरने का मौका दे सकती हो? कल जब तुमने मुझे पूछा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं या नहीं, और शायद उसका जवाब तुम्हें पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी मैं अपने सच्चे दिल से तुम्हें कहना चाहता हूं कि मिनहुई, मैं तुम कौन हो? शेंजियाजुन कामू का बॉयफ्रेंड है। तुम यहां कैसे? क्या चाहिए तुम्हें? एक बात बताओ, 5 साल पहले सूतियान सच में बस एक्सीडेंट में गुजर गई थी? क्या तुमने उसे धक्का दिया था खुद को बचाने के लिए? वरना वो आज जिंदा होती। उस दिन तुम्हें मरना चाहिए था। तुमने सूतियान को मारा, मेरी बहन को तुमने मारा, मेरी सगी बहन थी वो। तुम्हारी सगी बहन? कौन है इतने सुबह सुबह? तुम्हें बाहर लगा हुआ बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? मॉर्निंग। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने कहा मुझे मिस कर रही थी, इसलिए मैं आ गया। मैंने कब कहा मैंने तुम्हें मिस किया? मैंने नहीं कहा। हेलो, देखो तुमने मुझे पूरा दिन फोन नहीं किया। मैं तुमने मुझे बिना बताए ये रिकॉर्ड कैसे कर लिया? दे दो मुझे ये। क्योंकि मुझे तुम क्यूट लग रही थी। मुझे दे दो। नहीं, मैं इसे हमेशा के लिए रखूंगा। दे दो मुझे। नहीं, नहीं। दे दो मुझे। आई मिस यू। तो बहुत बड़ी है। Are you sure तुम चैन-चैन को अपने साथ रखोगे? क्योंकि तुम्हें बाकी लोगों से भी मिलना है। या फिर कामू को बोल दूं? मेरे बच्चे को मैं नहीं संभालूंगा तो और कौन करेगा? क्यों? वैसे भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैंने कहा है, आज के समिट में मैं सिर्फ ऑडियंस हूँ। वैसे भी सबके साथ सोशलाइज करना जरूरी थोड़ी है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे मैसेज कर देना। तुम स्पीच पे फोकस करो, बाकी सब मैं संभालूंगा। ऑल द बेस्ट मम्मी। गुड बॉय। क्या आप बी अजाल मेडिटेक से मिस मीन हुई हो? हेलो, प्लीज इस तरफ चलो। जाओ, लेट्स गो। ये
देखो ये पहले क्यों है? ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का लीडर कौन है? मुझे लगता है मिस्टर टैंग है। उसे यहाँ बुलाओ। मैन हुई। मिन हुई। ओह मिस्टर टैंग। उसका ऐसा है, समय कम होने के कारण शेड्यूल में कुछ बदलाव किए हैं, हमें तुम्हारा सेगमेंट कैंसिल करना होगा, तुम समझ सकती हो ना? पर क्यों? मेरा स्पीच तो पहले था ना, आपने ही इनवाइट किया था, अचानक से कैंसिल क्यों किया? ये डिसीजन सब कुछ सोच कर लिया गया है, जैसे टाइम और फॉलोअप इश्यूज देखकर, इसलिए मुझे। एक्चुअली मैं क्या कहती हूँ सर, सिर्फ 12 मिनट में ही अपना स्पीच खत्म कर दूंगी, प्लीज दोबारा इस बारे में सोचिए, ये काफी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और अपॉर्चुनिटी जरूरी है। ठीक है फिर, तुम अपना स्पीच समिट के अंत में दो, अगर कुछ समय बचा तो, नहीं तो स्पीच कैंसिल करना होगा। मैं समझ सकती हूँ, थैंक यू। एक्चुअली मैं गुस्सा नहीं था, मुझे बहुत एम्बेरस फील हुआ, तुम्हारे काम के बारे में कुछ नहीं जानता तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मेरी वजह से तुम डॉक्यूमेंट खो देती। तुम्हें बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। बिना बताए नहीं गया, मैं बस हम दोनों के बीच की दूरियां कम करने की कोशिश कर रहा हूं। हम दोनों के बीच की दूरियां, तुम कितने अच्छे हो। हम दोनों का झगड़ा होता है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अलग है, है ना? लेकिन इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सच में? टाइम क्या हुआ? ये बहुत बुरा हुआ, मेरा का स्पीच खत्म हो गया होगा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ ये। तुम ही तो हो जो मुझे रोक नहीं सकती। तुम रुको जरा। जिस AI डॉक्टर को हमने डेवलप किया है वो डायग्नोसिस करने में अव्वल है और साथ ही में ट्रीटमेंट के सजेशंस देता है। मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स। तुम्हारा स्पीच पहले था ना, ये लास्ट स्पीकर है, तुम्हारा कब आएगा? फीचर भी उपलब्ध है हमारे AI डॉक्टर के पास। चेंग किरांग ने कमिटी को बोला कि मेरा सेगमेंट कैंसिल कर दो। जो मेडिकल एक्सपर्टीज में एडवांस। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और वो मान भी गए कि एक्स्ट्रा टाइम में बोलने देंगे। देखते हैं अभी क्या होता है। इसके अलावा AI डॉक्टर पेशेंट्स की एडवांस मॉनिटरिंग करता है। मैं कमिटी से बात करता हूं। साथ ही में फॉलोअप भी लेता है और पेशेंट्स के डेटा। कोई बात नहीं, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, बस थोड़ा सब्र रखो। अगर आपको AI डॉक्टर के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो। आप सभी का शुक्रिया। इस स्पीच के लिए मिस्टर फेंग शीजे को धन्यवाद और धन्यवाद दूसरे सभी स्पीकर्स को इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। इसके साथ ही ये फोरम समाप्त होता है। इसके बाद कॉकटेल पार्टी होगी जहां आप टॉपिक्स पर चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। यहां पर आए हुए सारे स्पेशलिस्ट कॉलर्स और मेरे सारे दोस्त। मैं R&D की डायरेक्टर हूँ बाइशेंग बीएजल मेडिटेक से। मेरा नाम मिन हुआई है। मैं AI हार्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आइडियाज बताना चाहती हूँ। मिस मिन हुई, समिट खत्म हो चुकी है। मिस्टर टैंग, आज देखा जाए तो मेरा स्पीच पहले होने वाला था लेकिन बिना किसी रीजन आपने लास्ट रख दिया और आपने मेरा सेगमेंट कैंसिल कर दिया। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? या आपको किसी ने कहा है कि मुझे स्पीच देने से रोकिए? ऑफ कोर्स नहीं। फिर ठीक है,
लेडीज एंड जेंटलमैन, आई जस्ट नीड योर 10 मिनट्स प्लीज। उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आई प्रॉमिस। आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। सबका शुक्रिया। मेरे प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने के लिए सभी का शुक्रिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से यहाँ पर मौजूद सभी लोग जीनियस होते हैं। आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से अंकोगे तो वो अपनी पूरी लाइफ ये बिलीव करते हुए जिएगी कि वो एक मूर्ख है। लेकिन आज मैं वही मछली बनना चाहती हूँ। आज मुझे आपसे वही सोर्स चाहिए ताकि मैं फ्यूचर में ये प्रूव कर दूं कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। नेक्स्ट, अब मैं आपको AI हार्ट मॉडलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा प्रोजेक्ट 3 पार्ट्स में सेपरेटेड है। पहले में बेसिक हार्ट मॉडल क्रिएट करते हैं। ये मॉडल हम पेशेंट्स के लिए AI मॉडलिंग के थ्रू बनाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये AI हार्ट फाइनली तुम मुझे मिल गए। यूज होता है चौन चौन पेशेंट के हार्ट डिजीज के रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उसे वक्त से पहले ही डायग्नोस करना। इससे पेशेंट के हार्ट डिजीज की हाई रिस्क कम हो जाती है। That's it. हमारे AI हार्ट मॉडलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप सभी का टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। हाय मिस मिन, क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुनो चन चन, देखो 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 तुम्हारे पापा की तरफ। क्या कहते हैं इसे, कौन सी फ्रेज है? मुझे ये पता है, कौन सी? प्यार में गिर जाना। तुमने तो सही कहा। ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। शांचन को सब पता है, तुम्हें उसे सीखना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर मी हुई तुम्हें पसंद है, ये तुम मानते हो? माफ कीजिए। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था। इन्होंने कुछ देर तक बिजी रहेगी, तुम शानशान की देखभाल कर सकती हो। और तुम्हारा क्या? मुझे कुछ चीजें हैंडल करनी है। बुआ के साथ जाओगे? ओह ये, चलो चलते हैं। मिस्टर तांग, आज के लिए शुक्रिया। आप बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरा काम था। आशा है अगली बार हम जरूर मिलेंगे। हाँ, गुड बाय। मिस्टर शिन, ऐसा लगता है हम हमेशा एक दूसरे से टकराते हैं। मजाक सूच रहा है क्या तुम्हें? मैं तुम्हें यहां याद दिलाने आया हूं कि प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में हो या किसी आदमी की नैतिकता, अच्छा होगा तुम किसी के पीठ पीछे कोई गंदे तरीके ना अपनाओ। अगर पोल खुल गया तो तुम्हारे रेप्यूटेशन का क्या होगा फिर? मिस्टर शीन, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक पुरुष होने के नाते मीन हुई एक होशियार, एक काबिल और बहुत ही खूबसूरत औरत है। और वो एक रैट स्नेक की तरह है, जो छोटा है और सुंदर भी है लेकिन बहुत जहरीला है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं काफी टफ हूं। आराम से खाओ, तुम्हारा खाना कोई नहीं खाने वाला। तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं उनसे 3 घंटों के लिए लगातार बात कर रही थी और मुझे एक बूंद पानी भी नहीं मिला। अगर मैं नहीं आती तुम अभी भी वही होती। पर मैं काफी खुश हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है। तुम्हें पता है वहाँ पर एक स्टूडेंट था जो अभी ग्रेजुएट हुआ है, उसने बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में सजेशन। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम अपनी एनर्जी बचा के रखो और सोचो डिनर पार्टी के लिए क्या पहनना है, ठीक है? डिनर पार्टी? अब ये मत कहना तुमने कुछ तैयारी नहीं की। ऑफ कोर्स मुझे पता है,
इसके लिए मैं नया आउटफिट भी लाई हूँ। मुझे पता ही था। वैसे ये आउटफिट भी अच्छा है। अभी भी टाइम है, हम जाके कुछ नया खरीदते हैं। वो सब वेस्ट ऑफ मनी और टाइम है, और मैं उसे ज्यादा पहनूंगी भी नहीं। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल। तो आज रात मैं ही सबसे अच्छी दिखूंगी, फिर बाद में तुम मुझसे जलना मत। हाँ हाँ जाओ, तुम तो हो ही इस कंपनी की एंजल। बहुत हो गया, अब जल्दी करो। मैं आ गई हूँ, चांचान को लेने बाद में आती हूँ। हाँ, अब इसने वापस चांचान के लिए क्या लिया? मेरे लिए है? गिफ्ट के लिए शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता मैं था? क्योंकि वो बस तुम ही हो जिसकी टेस्ट बहुत खराब है। मुझे कॉम्प्लीमेंट देना इतना मुश्किल है क्या? सभी को अच्छा ड्रेस करना चाहिए। मुझे लगता है ये तुम्हें अच्छा सूट करेगा। ये कॉम्प्लीमेंट ही या फिर कोई मजाक? शानचन कहाँ है? सिंडी उसे लेकर आइसक्रीम खाने गई है, थोड़ी देर में तुम्हारे रूम में आ जाएगा। तुम आराम करो, रात को मिलते हैं। काम करके अच्छा लगा। आज यहाँ ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है? शिनशी का चॉइस अच्छा है, तुम पर ये ड्रेस अच्छी लग रही है। सच बताओ मुझे, तुम्हारे मेजरमेंट्स पता है उसे? तुम क्या बोल रही हो कामू, यहाँ पर बच्चे हैं। तुम भी अच्छी लग रही हो। ऑफ कोर्स। हेलो मिस्टर शिन, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ काफी समय हुआ। हेलो, सुनो, कुछ ही दिन हुए हैं, उसके बाजू में वो ब्यूटीफुल लेडी कौन है? मन तो नहीं बदला? ये तो आंटी सिंडी है, ये तो मेरे पापा की बहन है। सुनो चंचन, तुम्हें गेम ऑफ सीक्रेट्स पता है ना, जो तुम डैड के साथ खेल रहे थे? तुम्हें वैसे ही प्रिटेंड करना है कि तुम उसे नहीं जानते। क्या तुम यहाँ मिशन इम्पॉसिबल खेल रही हो? तुम्हारा चॉइस अच्छा है, लेकिन फिर तुमने मुझे दिया हुआ प्रेजेंट इतना अच्छा क्यों नहीं है? तुम्हें पहले आईने में अपने आप को देखना चाहिए। चौन चौन। आंटी। चौन चौन। तुमने ये पहन लिया? हाँ, तुम्हें अच्छा लगा ये? बहुत ज्यादा। हेलो मीहुए, इससे मिलिए, ये कामू है, हमारी कंपनी की डेप्यूटी डायरेक्टर, और ये सिंडी है, शिनची की बहन, आरजी ग्रुप की चेयर। हेलो, तुमसे मिलके अच्छा लगा। हेलो चौन चौन। हाँ? तुम्हें आइसक्रीम खानी है? हाँ। मैं तुम्हें देती हूँ। ठीक है, चलो मैं आती हूँ। तुम आज बहुत अच्छी दिख रही हो। शुक्रिया। वैसे मैंने इतने सालों में शिनशी की आंखों में ऐसी चमक नहीं देखी। मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। शिनशी को नहीं पता था कि हमने कस्टडी के पेपर्स भेजे हैं, ये मेरा खुद का डिसीजन था।
और वो मैं ही थी जिसने लॉयर को मिस सिंडी मुझे अब तुम नाराज मत होना प्लीज, ये सब कुछ अब मैं नहीं चाहती। और शिंची भी मुझ पे बहुत गुस्सा हुआ लेकिन फिर भी मुझे तुमसे इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी। जो हुआ सो हुआ, आपकी माफी मंजूर है। प्लीज एक्सक्यूज मी मिस मीन। मैं आती हूँ। हाँ हेलो मिस्टर गाव। मिस मीन, हम फिर से मिले। दोपहर को आपका प्रेजेंटेशन देखा, बहुत अच्छा था। मैं इसके बारे में सोचूंगा। आप यंग और प्रॉमिसिंग लेडी हो, आपने जो कुछ आज शेयर किया था वो काफी इंप्रेसिव था। जी हाँ, जब AI हर्ट मॉडलिंग टेक्नोलॉजी सफल हो जाएगी तब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारे देश के लिए गर्व की बात होगी। यह आदमी खूबसूरत लड़की को देख के सब भूल जाते हैं। तुम भी एक औरत हो तो तुम भी मिस्टर गाव को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकती? सबसे बड़ी बात ये टेक्नोलॉजी उनके लिए है जो पेशेंट हार्ट डिजीज के लिए सफर करते हैं, और इस टेक्नोलॉजी के लिए मुझे आप सब लोगों की मुझे कुछ काम है। इसे देखो, ये बोल्ड है, कैपेबल है, और सबसे जरूरी ये हम्बल है। मिस मेन, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हमसे पूछ लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। जी, थैंक यू मिस्टर गाव, आप सभी का शुक्रिया। चीयर्स। चीयर्स। तुम मिस मेन के बेटे हो ना? तुम बहुत बड़े हो गए हो, कितने क्यूट हो। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हारी मम्मी के साथ काम करती हूँ। रुको, ऐसा बर्ताव नहीं करते, किसी ने बताया नहीं तुम्हें? मुझे दर्द हो रहा है मम्मी, मम्मी, मम्मी। I'm sorry, please excuse me. चान-चान? मम्मी। तुम ये क्या कर रही हो? मम्मी, ये अनजान आंटी मुझे चोट पहुंचा रही है। कहाँ लगा, दिखाओ। यहाँ। क्या ये तुम्हारा बेटा है? कितना बड़ा है ये, मैंने नहीं सोचा था। मिस्टर गाव, हाँ? आपको पता नहीं है, मिस मिन तो जूझ रही है अपने करियर और फैमिली में, अपने बेटे को अकेली संभाल रही है और करियर को भी। तुम इसके जैसे औरत कहीं ढूंढ ही नहीं पाओगे बाईचांग इंडस्ट्री में। ये औरत कौन है? ग्वांचाओ में काम करती है। बिल्कुल, बाकी सिंगल मदर्स को तो डिवोर्स के बाद भी मदद मिलती है, पर मिस मिन इतनी लकी नहीं है। उसका बेटा बड़ा हुआ है लेकिन अपने पापा के बारे में कुछ नहीं जानता। लिन शोए, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चुप करूं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मुझे सच नहीं बताना था? ये गलत है। मिस मिन क्या मुझ पर बदनामी की केस करेगी? मिस मिन, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मैं सबकी माफी चाहती हूँ लेकिन ये मिनहुई का प्राइवेट मैटर। किसने कहा मिनहुई के बच्चे का बाप नहीं है? यहाँ आओ बेटे। ये क्या हो रहा है? क्या ये मिस्टर शिन है? ये सब कुछ क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं इस बच्चे का बाप हूँ। क्या ये इनका बेटा है? मिस्टर शिन ने ये बात कभी बताई नहीं मुझे। पहले तो कभी किसी ने बताया? मिस्टर शिन इसके पापा कैसे हुए? शिन का बेटा। शिनची, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मेरे लिए इसे सीक्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। लगता है मिस लिन आपको लोगों की प्राइवेट जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आपको पता है कईयों में से ये एक वजह है ग्वांचाओ में ना इन्वेस्ट करने का। नीच लोगों के साथ मुझे बिजनेस पसंद नहीं। पार्टी रोकने के लिए माफ करना, लेकिन अब समय हो गया है मिनहुई और मुझे हमारे बेटे को जाकर सुलाने का। आप लोग एंजॉय कीजिए। बाय बेटा, सब कुछ क्या था? छोड़, हमें क्या करना है? शीन का बेटा, उसके पापा का पता चल गया। हम अपने काम पर ध्यान देते हैं और अभी पार्टी एंजॉय करते हैं। क्या बोलते हो दोस्त? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो तुम। हमें क्या करना है? हम पार्टी एंजॉय करते हैं।
और फिर बाद में बिजनेस भी तो कर रहे हैं हमें। चलो चलो। वो कितना कूल है ना मेरा भाई, और वो कितनी खूबसूरत है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड। चीयर्स। पापा मुझे नीचे रखो, मैं खुद चल सकता हूँ। ठीक है, ये लो। ऐसा हीरोइक एक्ट एंजॉय करने की मेरी बारी कब आएगी? तुम्हें जलन हो रही है? अगर तुमने मौका दिया तो मैं भी तुम्हारा हीरो बन सकता हूँ। सच में? पर मुझे हीरो बनने के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसना होगा, और कभी ऐसा हो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। एक्चुअली पिछले कुछ सालों में मीहुई बहुत परेशान हुई है। उसे अकेले ही बेटे को बढ़ाना था और करियर भी बनाना था। वो आज जिस पोजीशन पे है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच में खुश हूँ। तुम्हें पता है मीहुई और शिनशी एक दूसरे के लिए ही बने हैं, नहीं तो फिर वो दोनों बिंचिंग में वापस आके एक दूसरे से क्यों मिलते? ऐसा लगता है मीहुई ने बहुत सहा है। शिनशी और मीहुई एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे से पहले शियान में मिले थे। उस राजकुमार को चुड़ैल ने वश में कर रखा था। सिर्फ सच्चे प्यार के आंसू उसे वापस इंसान बना सकती थी, और फिर वो दोनों हमेशा से खुश रह पाएंगे। क्या हुआ, इतनी क्यों पी ली तुमने? अगर आज रात के बारे में सोच रही हो तो इतना मत सोचना उसके बारे में। तुमने शानचान को बड़ा किया है और वो काफी तंदुरुस्त बच्चा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या कहते हैं। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो। बस करो। क्या तुम्हें मैं पसंद हूं शिनजी? अरे नहीं, भूल जाओ इसे। शिनजी, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। कभी कहते हो तुम्हें शानचान की कस्टडी चाहिए, फिर नहीं चाहिए। कभी कहते हो तुम्हें मुझसे दूर रहना है, फिर वापस मेरे पास आ जाते हो। क्या चल रहा है तुम्हारा शिनजी? तुम बहुत अजीब हो, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तुम कैसे ये सब। देखो मुझे। मैं अभी तुम्हें जवाब दूंगा,
मुझे एक्चुअली मुझे बस यही कहानी है। 5 साल हो गए। सोचो ये कैसी किस्मत है जो दो पिछड़े हुए लोग फिर से मिले और उन्हें प्यार हो गया। कभी कभी मुझे लगता है ये भगवान की इच्छा है। और मे भी ऐसा हो, वो लड़की जिसका नाम सूतियान है वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ मैं थक गया हूँ, वापस चलते हैं। हाँ क्या हुआ? कितनी भोली हो ना तुम, ऐसा सवाल पूछकर सो कैसे गई? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा कल जब तुम उठ जाओगी। अब क्या कर दिया मैंने रात को? क्या तुम्हें मैं पसंद हूं शिंजी? देखो मुझे, मैं अभी तुम्हें जवाब दूंगा। हे भगवान, अब ये क्या? ड्रिंक करना भी बहुत बुरी चीज है, इसके बाद कभी नहीं पीऊंगी। नहीं, सवाल पूछ ही लिया है तो जवाब ही पूछ लेती हूँ। शिंची, शिंची तुम बहुत बुरे हो। तुमने तो कहा तुम मुझे फिर से कभी देखना नहीं चाहते। तुम जानते हो मैं कितना सैड थी। मुझे माफ करना मिन्होए, मैं समझ चुका हूँ तुमने मुझसे सच नहीं कहा क्योंकि तुम डर रही थी कि मैं ये सुन पाऊंगा या नहीं। मुझे मालूम है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा बुरा लगा होगा। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मुझे हमारा रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए था। मैं बेवकूफ था, एकदम मतलबी था। तुम छोड़ गए थे लेकिन वापस भी तो आ सकते थे, और अब आकर क्यों सता रहे हो मुझे? ऐसा है कि पिछले 5 सालों में मैंने पूरी कोशिश की तुम्हें भूलने की लेकिन कर नहीं पाया। मैं शानशान को इस दुनिया में लाने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और उसकी देखभाल करने के लिए भी। और ये मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया है। सब मेरी ही गलती है, तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी बची जिंदगी के साथ सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूं, लेकिन क्या तुम मुझे सुधरने का मौका दे सकती हो?
माफ करना मुझे, मेरी अड़ियल होने की वजह से हमने पूरे 5 साल तक गवा दिए। पर अब ऐसा लगता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए। तुम कौन हो? शेंजियाजुन, कामू का बॉयफ्रेंड है। तुम यहाँ कैसे? क्या चाहिए तुम्हें? एक बात बताओ, 5 साल पहले सूतियान सच में बस एक्सीडेंट में गुजर गई थी? क्या तुमने उसे धक्का दिया था खुद को बचाने के लिए? वरना वो आज जिंदा होती। उस दिन तुम्हें मरना चाहिए था। तुमने सूतियान को मारा, मेरी बहन को तुमने मारा, मेरी सगी बहन थी वो। तुम्हारी सगी बहन? शिंची, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या है बोलो। एक्चुअली बात कर लो। हेलो, हाँ बोलो ना। आपने मिस मीन का पासपोर्ट बनाने के लिए कहा था, लेकिन सारे कागजात देखने के बाद हमें पता चला कि मिस मीन सूतियान नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। ठीक से बताइए, कुछ हुआ है क्या? तुम हो कौन? शिंची, तुमने कहा तुम सूतिया नहीं हो, मुझे नहीं लगा कि वो सच होगा। मिन हुए, मुझे पता होना चाहिए था। तुम सूतिया से काफी तेज हो, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस है तुम में। मुझे लगा किसी अच्छे फैमिली ने अडॉप्ट किया तुम्हें। I'm sorry. Shinji, I'm really sorry. अभी क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर सूतियान कहाँ है? वो क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? सूतियान यहाँ तुमसे मिलने आने वाली थी, लेकिन आते समय उसके बस का एक्सीडेंट हो गया और वो वही चल बसी। नामुमकिन है, विश्वास नहीं हो रहा। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तो इतने दिन से तुम सूतियान बनी फिर रही थी, ऐसा क्यों किया तुमने? कुछ कहती क्यों नहीं? शिंची, तुम्हारी बॉडी के लिए ये सब ठीक नहीं है, तुम ये मेडिसिन ले लो। शिंची, शिंची, वो जाते समय उसने सिर्फ यही कहा था कि मैं तुम्हें सूतियान बनकर मिलूं, और वो जो कहना चाहती है वो मैं कहूं। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, और तभी हेल्थ कंडीशन पता चली तुम्हारी, और मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें ये बता दूं तो तुम कोलैप्स ना कर जाओ। इसलिए मैंने सोचा कि इसे सीक्रेट ही रखूंगी और तुम्हारी सर्जरी होने तक तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी।
पर मैं तुमसे प्यार कर बैठी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शिंची। मैंने ये सब कुछ प्लान नहीं किया था। मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन देती हूँ, ठीक? छोड़ो, जाओ यहाँ से, चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। ठीक है फिर, चली जाती हूँ मैं। इसे वापस लो शिंची, I'm sorry। सुनो मुझे, अब से हमारे बीच कोई भी नाता नहीं होगा। जाओ यहां से।